हमारा इतिहास ही रचने के लिए हुआ और सिकंदरा में इतिहास रच के दिखाएंगे कि यहाँ का विकास कैसे होता। जाति का समीकरण देखा जाए तो हमारा तो 30 वोट का है, लेकिन लोग बोलते थे कि तुम्हारा तो 60 वोट का औकात नहीं और चेयरमैन का तुम चुनाव लड़ो। वो हमारे परिवार के व्यवहार और हमारे कर्म को देख करके लोग हमको चुने हैं। पहला तो हमारा विकास है कि जितने भी यहाँ गरीब स्मेल एरिया है वहाँ पानी हम जरूर सबसे पहले पहुँचाएंगे। सिकंदरा के जनता से हम एक वादा किए हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सिकंदरा नगर पंचायत होगा। एक पैसे की भी ये सूचना अगर मिल जाएगी तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बोलता हूँ कि मैं उसी दिन अपनी पत्नी को कहूँगा रिजाइन दे दे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद आज शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हो गया। हम जमुई में हैं इस वक्त और जमुई में दो जगह चुनाव हुए थे, एक नगर परिषद के लिए, जमुई नगर परिषद के लिए, और दूसरा चुनाव हुआ था सिकंदरा नगर पंचायत के लिए, और दोनों ही जगह आज शपथ ग्रहण हो चुका है। जमुई की बात करें तो जमुई में जो मुख्य पार्षद हैं उनके साथ उप मुख्य पार्षद और साथ में 30 जो पार्षद हैं उन्होंने शपथ ली है, और सिकंदरा में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और उनके साथ 12 पार्षदों ने शपथ ग्रहण किया है। शपथ ग्रहण करने के बाद अब उनके काम की बारी है, कामकाज भी वो संभालेंगे। इधर बिहार में जातिगत जनगणना भी चल रही है। हम बात इसलिए कर रहे हैं कि सिकंदरा में जो जातीय जनगणना चल रही है बिहार में, सिकंदरा में के जो लोग हैं, सिकंदरा की जो जनता है, उन्होंने इस मिथक को तोड़ दिया है, जातीय समीकरण को यहाँ ध्वस्त कर दिया है। यहाँ पर महज जो सबसे कम आबादी वाले जाति थी, सिकंदरा नगर पंचायत की बात करें तो राजपूत यहाँ पर 30 की संख्या में भी नहीं है, और उस जाति से यहाँ पर मुख्य पार्षद बनी है। आइए हम उनसे मिलते हैं, जानते हैं क्या कुछ कह रही हैं, वो भी देखिए हैं। वो चुनी गई हैं, यहाँ से सभी जातियों का सपोर्ट मिला है। हम बात करते हैं उनसे, देखिए क्या कुछ कह रही हैं। रूबी देवी नाम है और पहली बार ये चुनाव यहाँ पर हुआ और यहाँ से चुनाव जीती हैं। बहुत बहुत बधाई, आज तो शपथ ग्रहण भी हो गया आपका। हाँ, धन्यवाद करती हूँ। कैसा लग रहा है, क्या क्या मन में है? पहली बार सिकंदरा नगर पंचायत बना और अभी जातिगत जनगणना भी चल रही है, हम दोनों पर बात करेंगे। अभी आपके मन में क्या है अपने शहर को लेकर, विकास को लेकर? पहले तो हम पानी देंगे गरीबों को, फिर शिक्षा होगा और गंदगी होगा, गंदगी दूर करेंगे। सफाई, शिक्षा और जल, ये योजना है इनकी। इनके साथ इनके पति जो प्रतिनिधि हुए इनके, वो भी मौजूद हैं, चंद्रशेखर सिंह, उनसे हम बात करते हैं। पूरी बात उनके द्वारा ही जानते हैं क्या कुछ है, कैसी रूपरेखा है, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या आगे उन्होंने सोच रखा है। बहुत बधाई, पत्नी तो अब चेयरमैन बन गई। आपको भी, लाइव सिटी को भी धन्यवाद। क्या मन में है, किस तरह की रूपरेखा है, किस तरह का प्रोग्रेस करेगा अब सिकंदरा? पहली बार नगर पंचायत में शामिल हुआ और आप पहले चेयरमैन यहाँ पर इतिहास रचकर बने हैं। हमारा इतिहास ही रचने के लिए हुआ और सिकंदरा में इतिहास रच के दिखाएंगे कि यहाँ का विकास कैसे होता है। लोग एक बार सोचेंगे कि नगर पंचायत में इस टाइप का भी विकास होता है। जाति का समीकरण देखा जाए तो हमारा तो 30 वोट का है, लेकिन लोग बोलते थे कि तुम्हारा तो 60 वोट का औकात नहीं और चेयरमैन का तुम चुनाव लड़ोगे। आखिर कैसे संभव हो गया फिर ये? जनता हमारे साथ है, गरीब मजदूर के सब दिन हमारा परिवार जो है सम्मान देते हुए आया है। जितने भी हरिजन वैगवर्ड हैं वो हमारे साथ हैं और सब दिन रहे हैं। हमारे पिताजी का, दादा का जो अच्छे कर्म का नतीजा था वो आज हमको मिला, और जनता ने बहुत सम्मान पूर्वक हमको जीत का सेहरा पहनाया। वो हमारे परिवार के व्यवहार और हमारे कर्म को देख करके लोग हमको चुने हैं, और कैरेक्टर बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए सबसे पहले कैरेक्टर का होना आपको बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारा परिवार सिकंदरा में एक नंबर आता है, ये जनता ने साबित कर दिया है। क्या लग रहा है, ये जो जातिगत जनगणना चल रही है ये राजनीति पर कुछ छाप छोड़ पाएगा? क्योंकि आपने तो एक अलग उदाहरण ही पेश कर दिया है। जी, इस पर अभी तो हम क्या बोलें
लेकिन जाति जनगणना नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। ये समाज में द्वेष भावना पैदा होगा, ये फलाना फलाने जाति से आता है और फलाने जाति का इतना वोट है, ये नहीं होना चाहिए। जो जहाँ है अपने ठीक है। जब हमको समाज ने 30 वोट में ला करके मेयर सिकंदरा का पहला जो नाम अंकित होगा वो रूबी देवी का होगा, यहाँ कहाँ कोई जात का तो कोई फैक्टर रहा नहीं, जात का तो सारा फैक्टर खत्म हो गया। किस तरह से विकास करेंगे शहर का? सबसे पहला तो हमारा विकास है कि जितने भी यहाँ गरीब अस्मल एरिया है वहाँ पानी हम जरूर सबसे पहले पहुँचाएंगे, उसके बाद हॉस्पिटल का स्थिति को सुधार करेंगे। हॉस्पिटल का स्थिति यहाँ बहुत दयनीय है। उसके बाद आज सिकंदरा में जाम एक नासूर बन चुका है, इसमें हमारी बातचीत बुद्धिजीवियों से भी हो रही है, सिकंदरा की बुद्धिजीवी वर्ग से भी बात हो रही है, और जितने पदाधिकारी हैं यहाँ ये एकदम खुले दिल से हमको सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा सबसे पहला प्राथमिकता है कि हम किसान परिवार से आते हैं और सिकंदरा में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और उस पानी की समस्या को हम बहुत जल्द दूर कर रहे हैं, जिसमें हमारी काम भी चल रही है और सारे प्रशासन हमारे साथ में है। सिकंदरा के जनता से हम एक वादा किए हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सिकंदरा नगर पंचायत होगा। अगर किसी भी प्रकार का एक पैसे की भी ये सूचना अगर मिल जाएगी कि हमारे द्वारा लिया गया है, तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बोलता हूँ कि मैं उसी दिन अपनी पत्नी को कहूँगा रिजाइन दे दे। बड़ा चैलेंज बता रहे हैं जी। जी रुपये का अगर ये मामला आ जाएगा भ्रष्टाचार के मामले में हमारे किसी परिवार के द्वारा, तो मैं अपनी वाइफ को रिजाइन दिलवा दूंगा। इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए शेखर सिंह ने आया है, और फिर वही काम होगा तो फिर अगला में और हम में अंतर क्या रहेगा। गरीब जनता है, डिपेंड होगी आप पर, बहुत से लोग उम्मीद लेकर के आएंगे, कितना खरा उतरेंगे? जनता की उम्मीद पर तो हमारा परिवार शुरू से ही जो है साथ कंधा कंधा मिला करके चले हैं, उसका नतीजा तो सामने है आपका, खड़ा तो उतरना ही है। जब पहले से भी हम लोग उतरे हुए हैं तो आज कोई नया तो नहीं है। जनता के विश्वास हमारे प्रति बहुत ज़्यादा है, और सब दिन हमारे घर से आए तो कोई खाली हाथ नहीं गया। जितने भी असहाय निर्धन लोग आए हैं सबको घर से हमारा मदद मिला है, जिसका जीता जागता सबूत सिकंदरा में एक नहीं सैकड़ों मिलेगा आपको। जब विनोबा भावे ने अपना योजना लेकर के आए थे भूदान का, उस समय हमारे पिताजी 22 एकड़ जमीन सिकंदरा को दान किए थे। हम अपने हाथ से कितना स्कूल को ज़मीन दिए हैं, कितना स्कूल में रास्ता दिए हैं, मदरसा को ज़मीन दिए हैं, तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत थे जो हमारे परिवार ने पूर्व में कर चुके हैं। दबंगों और बाहुबलियों की ज़मीन कहलाती है, धरती कहला रही है सिकंदरा, बराबर से ऐसा इतिहास भी रहा है, कैसे मुक्त कर पाएंगे उनके दबाव से? तो जनता तो मुक्त कर चुका है, हम क्या मुक्त करेंगे, तो जनता मुक्त कर चुकी है, कहाँ कोई भय नहीं है सिकंदरा में। लोग बोलते हैं बाहुबली, तो जनता कहाँ बाहुबली को अथी किया है, यहाँ बाहुबली कोई नहीं है, सब समाज के लोग रहते हैं। ये मीडिया में बाहुबली आता है, यहाँ तो कोई बाहुबली नहीं है, सब समाज के लोग हैं, सब अच्छे लोग यहाँ रहते हैं। जनता ने बाहुबल धन बल को नकार दिया, चुना है एक ऐसी शख्सियत को जो शहर का विकास करना चाहती है, शहर को आगे बढ़ाना चाहती है, शहर को समस्याओं से मुक्त कराना चाहती हैं। रूबी देवी आज शपथ ग्रहण कर चुकी हैं। जनता ने सिकंदरा में धन बल बाहुबल को नकार दिया है। चुनाव परिणाम जो आए वो चौंकाने वाले थे। तमाम जो जातीय समीकरण थी, धन बल का जो यहाँ पर बताया जा रहा था कि प्रयोग होगा, बाहुबल का प्रयोग होगा, वो सारे चीज़ को जनता ने ध्वस्त कर दिया और जिता दिया है। रूबी देवी को चेयरमैन अब बन चुकी हैं। मन में बहुत कुछ है, विकास सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ सिकंदरा में जल की है, सबसे पहला काम वो बता रही हैं जल का करेंगी, साफ सफाई का होगा, इनक्रोचमेंट का होगा, और सिकंदरा जाम से मुक्त होगा जो यहाँ पर कोढ़ बन चुका है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।